भोले बाबा ने पूछा, कहाँ जा रही हो? इतने समय हमें अकेला छोड़ के कहाँ जा रही हो? कहाँ जाने की तैयारी है? पार्वती कहती है, तुम चुप रहो। क्यों? अगर तुम बातों में लगाए रहोगे तो मुझे बहुत देर हो जाएगी। क्या हुआ? अरे जा जा रही हो? पार्वती कहती है, महाराज देखने जा रही हूँ। कहाँ पर? अरे यमुना के किनारे। कौन महाराज कर रहा? कन्हैया। और सब देवी जा रही है तो मैं भी जा रही हूँ। भोले बाबा ने सुना कि कन्हैया महाराज कर रहे हैं, तो पार्वती से बोले, तो हम भी चलेंगे साथ। पार्वती बोली, चुप बैठो। क्यों? वहां पर केवल नारियां जाती हैं, नरों का वहां कोई काम नहीं है। नर अंदर नहीं जा सकते, केवल नारियां जाती हैं। भोले बाबा ने सुना कि नारियां जाती हैं, तो भोले बाबा कहने लगे, तो हम भी नारी बनने को तैयार। हमको भी साड़ी पहना दो, हमको भी श्रृंगार कर दीजिए, हम भी नारी बन जाएंगे। लेकिन पार्वती, कुछ भी हो जाए पर महाराज तो मुझे देखना ही है, बहुत इच्छा हो रही है। पार्वती बहुत मना करती है, देखो मान जाओ मेरे साथ में मन चलो तो अच्छा रहेगा। भोलेनाथ कहते, नहीं मैं आज तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा और आप मुझे महाराज दिखाओ, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। पार्वती बोली, साड़ी पहननी पड़ेगी, बिल्कुल पहन लूंगा। श्रृंगार करना पड़ेगा, बिल्कुल कर लूंगा, लेकिन महाराज दिखाइए। पार्वती ने बहुत मना किया लेकिन भोले बाबा नहीं माने, तो पार्वती भोले बाबा को अपनी साड़ी पहनाने लगी है, अपना ही श्रृंगार कराने लगी है। जब भोले बाबा हट कर गए तो और चल दिए भोलेनाथ। एक दिना भोले भंडारी, भोले बाबा महाराज देखने के लिए जब जा रहे हैं तो पार्वती बहू समझा रही है, एक दिना भोले भंडारी और बन के सुंदर नारी वृंदावन चल दिए है, वृंदावन चल दिए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन चल दिए हैं, वृंदावन चल दिए।
चूड़ा पहन के साड़ी चाल चले वृंदावन चले।